वर्ष में प्रवेश करने वाले सभी छात्राओं का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज हम द्वितीय वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आने वाली अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित मैंने पूर्व में 6 श्लोकों का वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं भेज दूंगी और उसको देख करके अध्ययन करिएगा। आज हम 7वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। ये उस समय का वर्णन है जब राजा दुष्यंत और सूत आश्रम में प्रवेश करते हैं और हिरण का शिकार करते हुए जाते हैं। उस समय हिरण का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत से सूत कहता है कि देखिए, आपको मैं इस हिरण के पीछे दौड़ते हुए साक्षात मृग का रूप धारण करने वाले यज्ञ का मृग का रूप धारण करने वाले भगवान शिव जो है उनके अनुसार उनका पीछे करते हुए मैं आपको साक्षात पिनाकिन के समान आपको देखता हूँ। अब उसी से संदर्भ में राजा सूत से कहते हैं कि देखिए, ये हम को जो मृग है वो बहुत दूर तक ले आया है और फिर भी ये हमें बार बार पीछे मुड़ करके देख रहा है। उसी का ही सुंदर वर्णन इस श्लोक में है। देखिए, ग्रीवा भंग अभिरामम मुहुर अनुपतति स्यंदने बद्ध दृष्टि पश्चात अर्धेन प्रविष्टा शर पतन भया भूरिसा पूर्व कायम दर्भेर अर्धावनीडे श्रम विवर्त मुख भैंसी भी कीर्ण वर्तमा पश्योत उग्र प्लुत्वात् व्यति बहुतरम स्तोकम उर्वया प्रयाति। आप क्या है, इस श्लोक में सबसे पहले अन्वय के हिसाब से आप शब्दों के अर्थ देखेंगे और फिर मैं उसका अनुवाद आपको करवाती हूँ। देखिए, प्रथम पंक्ति देखिए, अनुपतति सेंदने, यानी कि अनुपतति मतलब पीछे आते हुए रथ पर, पीछे दौड़ते हुए रथ पर, मुहुर मतलब बार बार, ग्रीवा भंग अभिराम, ग्रीवा को यानी कि अपनी गर्दन को मोड़ते हुए बहुत सुंदर दिखाई देने वाला वह मृग, बद्ध दृष्टि और हम पर क्या है, एकाग्र चित दृष्टि डाले हुए है। राजा सूत से कहता है, देखो ये जो मृग है वो आगे आगे हमारे से आगे भाग रहा है और ये हमारे रथ पर बार बार दृष्टि डाल रहा है और गर्दन को मोड़ने से बहुत ही अधिक सुंदर दिखाई दे रहा है, एकाग्र दृष्टि से हमको देख रहा है। पश्चात अर्धेन प्रविष्टा शर पतन भयात भूयसा पूर्व कायम, और ये मृग कैसा है, शर पतन भयात यानी कि बाण लगने के भय से, भूयसा बहुत अधिक, जिसका पश्चात पीछे का जो आधा भाग है वो क्या है, पूर्व कायम प्रविष्टा, पूर्व के शरीर में प्रविष्ट हो रहा है, यानी कि बाण लगने के भय से ये जो मृग है वो उसका बहुत अधिक भाग पीछे का, पश्चात अर्धेन पीछे का आधा भाग जो है वो पूर्व कायम यानी कि पहले के शरीर पूर्व के शरीर में प्रवेश कर रहा है। दर्भेर अर्धा अवनीडे श्रम द्विवर्त मुख भ्रंशी भी कीर्ण वर्तमा, और ये जो मृग है निरंतर दौड़ रहा है, दौड़ने से थकान उत्पन्न होने के कारण श्रम विवर्त, श्रम के कारण यानी कि थकान से खुले हुए मुख से, विवर्त मुख मतलब खुले हुए मुख से, भ्रंश भी गिरे हुए दर्भे अर्धा अवलीड़े, अर्धा अवलीड़े मतलब आधे चबाए हुए घास से, जिसका कीर्ण वर्तमान जिसका जो मार्ग है वो कैसा है, भरा हुआ है। पश्योत उग्र प्लुत्वात्, देखो उग्र प्लुत्वात् अत्यधिक उछलने के कारण ये जो मृग है व्यति बहुतरम, व्यति मतलब होता है आकाश में बहुत अधिक, और स्तोकम उर्वया प्रयाति, और उर्वयाम यानी कि पृथ्वी पर बहुत अधिक थोड़ा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें जो कवि हैं उन्होंने बहुत अधिक सुंदर वर्णन किया है, एक जानवर की स्वाभाविक जो क्रियाएं होती हैं उनका बड़ा सुंदर चित्रण किया है कि जब आपने कभी देखा होगा कि कोई भी पशु जो है अगर किसी के पीछे भागता है तो वो बार बार पीछे मुड़ करके देखता है, तो ये हिरण भी जो है बार बार पीछे मुड़ करके हमको देख रहा है और एकाग्र चित्त दृष्टि से देख रहा है। और
मान लीजिए किसी जानवर के पीछे अगर उसे किसी शर यानी कि जो बाण लगने का भय से वो ऐसा लगता है कि वो पीछे के भाग को आगे के भाग में प्रवेश करवाता हुआ है, प्रवेश कराता हुआ सा दिखाई दे रहा है, और निरंतर थकान होने के कारण उसका जो मुख है वो क्या है, खुला हुआ है, और उसके मुख से आधे चबाए हुए जो घास के तिनके हैं वो क्या है, उसके मार्ग में कि वर्तमान, वर्तमान मतलब होता है मार्ग में निरंतर बिखरे हुए दिखाई देते हैं। उग्र प्लुत्वा निरंतर ऊपर ऊंची ऊंची उछाल करने से, उछलने के कारण वह वियति बहुतरम, वियति मतलब होता है आकाश में बहुत अधिक दिखाई दे रहा है, और उर्वयाम यानी कि पृथ्वी पर बहुत अधिक थोड़ा थोड़ा चलता हुआ सा प्रतीत होता है। यहाँ कवि ने, महाकवि कालिदास ने जो हिरण है उसकी स्वाभाविक क्रियाओं का वर्णन किया है, इसलिए स्वभावोक्ति अलंकार है, और इसी में श्लोक में भयानक रस का, जो हिरण है वो निरंतर डर रहा है इसलिए भयानक रस का, और साथ ही स्तृगधरा छंद्र का भी प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।